इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, जहाँ पे 5 से 24 साल की उम्र की ऑडियंस 500 मिलियन, तो इतनी ऑडियंस होने के साथ यहाँ पर जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और यहीं पर अगर बात की जाए इसी उसमें ई टेक यानी कि ई लर्निंग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ई लर्निंग की जो इंडिया की मार्केट है ये यूएस के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ई लर्निंग के लिए। तो इसी ई लर्निंग के बीच एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप उभर के सामने आया जो कि है अनअकैडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अनअकैडमी बिजनेस मॉडल के बारे में कि कैसे अनअकैडमी स्टार्ट हुआ, अनअकैडमी के फाउंडर कौन है और पूरे के पूरे उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनअकैडमी की जो शुरुआत है वो ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुई थी जहां पे जो है ये एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते थे। अनअकैडमी को जो है गौरव मुंजाल, रोमन सैनी, हिमेश सिंह एंड सचिन गुप्ता ने स्टार्ट किया था। और 2016 में जो है इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया फ्री अनअकैडमी.in के नाम से, जहाँ पे जो है ये फ्री एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते थे। गौरव और हिमेश जो है प्रीवियसली काम करते थे फ्लैट चैट के ऊपर, जिसे जो है कॉमन फ्लोर ने 2014 में एक्वायर कर लिया था। और रोमन जो है एक डॉक्टर था एम्स से, और उन्होंने जो है अपने इस स्टार्टअप के लिए जो है अपने डॉक्टरी करियर को छोड़ दिया और जो है इस स्टार्टअप के लिए काम करने लगे। और इसके साथ ही जो है वो यंगेस्ट पर्सन थे इंडिया के जिन्होंने जो है सिविल एग्जाम क्लियर किया था। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल पे जो है 1500 मिलियन से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर व्यूज आ चुके हैं, और 150 से भी ज़्यादा जो है टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर जो है इनके यहाँ पर अवेलेबल वीडियोस अवेलेबल है। ये क्या करते हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे जो है एजुकेशनल के लिए जो है डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज वगैरह लेकर के जो है ये अपने अप्रूव करते हैं टीचर्स जो अनअकैडमी पे टीचर्स बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है यूडेमी की तरह नहीं है कि आप अपना कोर्स बनाओ और यूडेमी पे जैसे डाल देते हो, ऐसा नहीं है कि आप अनअकैडमी पे भी इस तरीके से बिजनेस जो है आप वीडियोस कोर्सेज डाल सकते हो। तो इनकी पूरी की पूरी एक प्रोसेस है अगर आपको इनके प्लेटफॉर्म पे जो है टीचर बनना है। बेसिकली क्वालिटी कंटेंट जो है ये प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल कैटेगरी में। तो अब बात करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इनका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही क्लियर है, यानी कि प्रीमियम बिजनेस मॉडल है इनका। यहाँ पर जो है ये फ्री वीडियोस इनके इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सारा का सारा कंटेंट बेसिकली फ्री में है। और तो जैसे कि इनका प्रीमियम बिजनेस मॉडल है तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फ्री कोर्सेज की। बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है यहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ जिसको आप देख के सीख सकते हो। और एक यहाँ पर जो है एक और टाइप का जो है इनके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट है जो कि आता है अनअकैडमी प्लस में। उन कोर्सेज को अगर आपको चाहिए अगर वो कोर्सेज उसके लिए जो है आपको पे करना होगा। तो इस तरीके से जो है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल इन्होंने अपना रखा है, जिस करके इस फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का इनको बेनिफिट क्या मिलता है कि बहुत सारे लोग जो है इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो फ्री कंटेंट देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि फ्री कंटेंट अच्छा है तो वो जो है उसे पेड भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं। और अगर अब आप सोचोगे कि जो टीचर्स इनके प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालते हैं उन्हें क्या मिलता है, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैंने इनके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो है अपने आप को रजिस्टर कर लिया और मैं फ्री वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? इन्हें तो जो है पॉपुलरिटी मिलेगी कि ये फ्री जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो उनके लिए जो है इन्होंने एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम निकाल रखा है कि अगर मुझे 5000 व्यूज मेरे वीडियोस मेरा कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो मुझे इतने रुपए मिलेंगे, अगर मैं 10,000 व्यूज कंप्लीट कर लेता हूं तो इतने मिलेंगे। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है बोनसेस भी जो है बना रखे हैं, अगर एक बंदा अगर इतने अगर व्यूज अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इतना बोनस मिलेगा। तो इस तरीके से जो लोग फ्री जो कंटेंट डालते हैं उन्हें भी जो है ये जो है अर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है, यानी कि कुछ एजुकेशन टीचर्स जो है यहाँ पर आते हैं, वो जो है कंटेंट डालते हैं और उसे जो है फ्री में ही अवेलेबल कराते हैं, और ये जो है रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे इन्हें पैसा देते हैं। इसके अलावा इनके पास एक इन हाउस टीम भी है जो कि कोर्सेज डालती है और उसे जो है ये पेड में बेचते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा सिस्टम इनका काम करता है, यानी कि रिवेन्यू मॉडल इनका जो है पेड का है। और अगर बिजनेस मॉडल की बात की तो बिजनेस मॉडल इन हाउस भी है और ऐसे मार्केट प्लेस भी है। तो मार्केट प्लेस में जो है ये टीचर्स को रिवार्ड देते हैं। अब तक जो है अनअकैडमी $198.5 मिलियन की जो है फंडिंग ले चुका है। तो इसके अलावा जो है यूट्यूब पे भी जो है इनका यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है, यूट्यूब से भी जो है ये मोनेटाइजेशन वगैरह करके जो है अर्न भी करते हैं। और इसके अलावा अगर यही इनके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारे हैं इसके अंदर। बायजूस भी हैं और टॉपर है, मेरिट नेशन है, वेदांतु है, बहुत सारी कंपनीज हैं इनके कंपटीटर्स में, लेकिन इनका जो मॉडल है वो फ्रीमियम है। और बहुत सारी जो कंपनीज अनदर कंपनीज है
जैसे बाइजू है, बाइजू का इन हाउस है लेकिन वहाँ पे फ्री अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर मोस्टली कंटेंट जो है पेड ही है सब कुछ। और अनदर जो ऐप्स है वहाँ पे जो है आपको जो है पे करना होगा, सब्सक्रिप्शन पे करनी होगी। लेकिन ये ही एक बिजनेस है जहाँ पे जो है आपको फ्री ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको कंटेंट मिलता है। और उसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो आपको चाहिए तो उसके लिए जो है आपको सिर्फ पे करना है। तो ये था अनअकैडमी का पूरा बिजनेस मॉडल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।